इवनिंग फ्रेंड्स, फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड की सीन वादियों से एक और खूबसूरत से दिन का सनसेट थोड़ी देर बाद होने वाला है। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ देखिए कितनी तेज धूप लग रही है। ये देखिए सुबह हुई थी बहुत ही भयंकर बारिश 2 घंटे बाद 7 से 9 तक, और अभी देखिए एकदम से बहुत ही भयंकर गर्मी लग रही है, बहुत ही तेज धूप है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कोदा यानी कि मंडुवे की खेती। अभी 4 या 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ हल लगाया था, धर्मेंद्र भाई और मैंने हल लगाया था। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो वाला ब्लॉग भी देखिए। और मैं जा रहा हूँ अभी अपनी अबाब के कोदे यानी कि मंडुवे के खेतों में। चलिए देखते रहे पूरी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई वीडियोस को देखने के लिए। और देखते रहिए पूरी वीडियो। और ये सामने अपने खया पानी का गदेरा, ये देखिए बहुत ही बड़ा गदेरा है ये, यहाँ ऊपर से और यहाँ नीचे तक। और यहाँ शाम के 6 बजे के बाद बाघ की बहुत ही ज़्यादा डर रहती है, तो बहुत ही डेंजर एरिया है। 6 बजे के बाद यहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ सामने का व्यू भी देखिए खेतों का, बहुत ही बढ़िया व्यू। और आजकल घास देखिए चारों तरफ बहुत ही हरियाली हरियाली हो रही है, ये देखिए। और अपने गांव से और यहाँ अब आपके खेत में आने के लिए 5 मिनट का रास्ता है बस आने वाले अपने खेत। और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने अब आपके खेत, ये देखिए ये पूरे अपने अब आपके खेत। और ये देखिए अभी पहुंच गया हूँ मैं अपने कोदा और मार्चू के खेतों में। ये देखिए ये है मार्चू का पौधा, ये देखिए इस पर भी बेल लगी हुई है। और यहाँ पीछे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कोदे की बेल, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको बैक वाले कैमरे से। ये देखिए ये है कोदे की बेल, ये सारी कोदे की बेल है यहाँ पे पूरी लास्ट तक, ये देखिए ये वाले भी। और ये यहाँ है मार्चू के पौधे, और ये देखिए ये भी कोदे और मार्चू। और ये यहाँ पे है दाल, ये दाल के पौधे ये वाले हैं मार्चू के पौधे। देखिए मार्चू की बेल लगी हुई है, बहुत ही बड़े बड़े हो रखे हैं। अभी धूप लग रही बहुत ही तेज, ये देखिए एकदम सूरज इधर से चमक रहा है, बहुत ही तेज धूप लग रही है और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए ये है अपने पूरे इस खेत में, यहाँ लास्ट तक कोदा यानी कि मंडुवा मार्चू और दाल, तो ये देख सकते हैं आप। चलिए दिखाता हूँ एक बार फिर से बैक वाले कैमरे से पूरे खेत का व्यू, देखते रहे पूरी वीडियो को। और ये देखिए पूरे खेत में ये मार्चू के पौधे, मार्चू की बेल और ये कोदे की बेल,
ये देखिए पूरे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ भी देखिए इस वाले खेत में भी और यहाँ भी और ये सामने दिखाई दे रहा अपना गांव थोड़ा थोड़ा ये अपना गांव और यहाँ ऊपर भी ये देखिए ये अपनी चाची लोगों के खेत तो यहाँ भी लगभग तैयार हो चुकी है खेती। ये कोदे की जो बेल हैं ये भी तैयार हो चुके हैं और आजकल यहाँ जंगली सुअर ने भी आतंक फैला रखा है, हैं एक दो जंगली सुअर और इसलिए ये देखिए पहाड़ी जुगाड़ ये पुराने कपड़े सुअर को डराने के लिए पुतले जैसे बना रहे गए हैं। ये देखिए एक एक काला वाला और एक ये देखिए सफ़ेद वाला तो यहाँ लगभग सभी लोगों ने अपने खेतों में पुतले बनाए हुए हैं अपने जो पुराने कपड़े हैं तो इससे पता नहीं सुअर भागते हैं कि नहीं। तो अभी खेती तो लगभग सही है, सुअर ने कुछ नुकसान नहीं किया हुआ है, बट आया था एक बार यहाँ सुअर तो इतना नुकसान नहीं किया हुआ है। देखते रहिए पूरी वीडियो को और यहाँ की खेती भी देखिए, ये जो बेल दिखाई दे रहे हैं कोदे यानी कि मंडुए की और ये पीछे मारचू की और ये जो ग्रीन कलर की है पत्ते वाली ये है दाल। तो देखिए कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रही है ये देखिए, वाह एकदम मस्त लग रहा है। ये देखिए यहाँ से बहुत ही बढ़िया खेती। और ये देखिए ये है भंगजीर की बेल, ये भी कच्ची है और पकने के बाद ये होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जैसे काला वाला तिल और सफ़ेद वाला तिल होता है लगभग ऐसी होती है, तो बहुत ही टेस्टी होती है ये वाली भी। थोड़ी थोड़ी ये भंगजीर की खेती भी यहाँ ये यहाँ तक और ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए कितना अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है मेरे बैक वाले साइड में। ये देखिए वाओ यहाँ पूरा यहाँ तक ये देखिए और ये तो है अपनी खेत कोदे वाले और व्यू देखिए वाओ। चलिए बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ मैं यहाँ के जो ये डांडिया कांटियाँ हैं इनका व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और ये नीचे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ये अपना इंटर कॉलेज ठेला और आसमान में देखिए बादल कितने मस्त लग रहे हैं आज, वाह बहुत ही बढ़िया। देखिए थोड़े थोड़े काले बादल भी आ गए हैं, बारिश होने की एक बार फिर से संभावना है।
तो लगभग तैयारी हुई है। देखिए अभी यहाँ पीछे मेरी माँ जी काट रही है, देखिए बैल यानी मंडवे की बैल, तो एक गिल्डा यानी कि एक कंडा लगभग होने वाला है और मम्मी काट रही है और मैं लेके जाऊंगा एक थैला, तो देखते रहिए अभी थोड़ा बाकी है, दिखाता हूँ मैं आपको अभी आगे। और धूप तो कम नहीं होने वाली है, ये देखिए बहुत तेज़ धूप लग रही है। और चले मैं आपको भट्ट दिखाता हूँ, भट्ट की बेल लगी हुई है यहाँ पे, ये लगी हुए हैं भट्ट, ये देखिए ये भट्ट की बेल है, यहाँ तक पूरे भट्ट ही भट्ट लगे हुए हैं, ये देखिए अभी कच्चे हैं, कुछ दिनों के बाद ये भी पक जाएंगे, ये देखिए ये यहाँ भी और ये यहाँ भी, यहाँ से ये यहाँ तक। और ये देखिए इस वाले पौधे से पौधे की बेल काट ली है मेरी माँ जी ने लगभग, ये देखिए, और कुछ दिनों के बाद ये जो पौधा है ये आएगा भैंस भैंस के घास के लिए, ये देखिए ये ग्रीन कलर की है, तो कुछ दिनों के बाद ये सूख जाएगी फिर ये घास के काम आ जाएगी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, हम लोग आ गए थे 4 बजे, पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे ये देखिए खुदे की बेल काट ली है, ये दाथड़ी यानी कि दरांती, तो थोड़ी बहुत मैंने भी हेल्प कर ली। चलिए दिखाता हूँ मैं अभी, एक गिल्डी यानी एक कंडा तो रेडी हो चुका है मेरे लिए, तो हो गया है, चलिए देखते रहिए। और ये देखिए ये गिल्डी आधा भर चुकी है और आधा थैले भी डाल दिए अभी, तो ये भी लगभग डन हो चुकी है। और फाइनली ये देखिए अपना मंडवे का कट्टा यानी कि ये मंडवे का थैला रेडी हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर। तो ये थी पहाड़ी कल्चर की एक छोटी सी झलक मंडवे की कोदे की खेती, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू ब्लॉग में, टिल देन बाय।